एक नेता को बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और सबके कल्याण के लिए कार्य करना होता है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि नेता बनकर आप जनहित के कार्य करना चाहते हैं और एक अच्छा नेता बनकर समाज और देश का कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको एक नेता के गुणों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि एक नेता में कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं। नेतृत्व का गुण। एक अच्छे नेता में नेतृत्व का गुण होता है। इसी गुण के आधार पर नेता जनता का मार्गदर्शन करता है और उनके हित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की पहल करता है। जनहित का लक्ष्य। नेता वही है जिसका लक्ष्य जनता के हित के कार्य करना और समाज के उत्थान के प्रयास करना हो, ताकि हर व्यक्ति प्रगति कर सके, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए अच्छा नेता वही है जिसके जीवन का लक्ष्य स्वयं का लाभ न होकर जनता का कल्याण हो। जनता से जुड़ाव। एक अच्छा और सफल नेता वही है जिसे जनता से जुड़ाव हो, जनता की तकलीफों और परेशानियों को जो अपना समझे और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास तेज कर दे, वही सच्चा नेता है। निष्पक्षता का गुण। एक अच्छा नेता समाज के हर वर्ग और तबके को एक निष्ठ दृष्टि से देखता है और उनके साथ एक जैसा सद्भाव रखता है। आलोचना से सीखने का गुण। आलोचना सभी की होती है और जनप्रतिनिधि होने के कारण नेता को आलोचना से गुजरना ही पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा नेता आलोचना का शांति से सामना करता है और बिना आक्रामक प्रतिक्रिया दिए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करता जाता है। दूरदर्शिता का गुण। नेता का कोई भी निर्णय उस तक सीमित नहीं होता है, बल्कि जनता को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए एक अच्छा नेता दूरदर्शी होता है, जो समाज के हर वर्ग के लाभ और हानि के बारे में सोच विचार करके ही कोई भी निर्णय लेता है। इस दौरान एक अच्छा नेता उस निर्णय के लिए आगामी भविष्य में दिखाई देने वाले प्रभाव के लिए भी तैयार रहता है। आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में संतुलन का गुण। एक अच्छा नेता वही साबित होता है जो न केवल आदर्शवादी विचार रखता हो और न ही केवल व्यवहारिकता पर ही जोर देता हो, बल्कि वो आदर्शवादी और व्यापारिकता विचार के बीच संतुलन बनाता है। ऐसा नेता दूरगामी लक्ष्यों को भी हासिल कर पाता है और छोटी अवधि वाली जरूरतों को भी पूरा कर पाता है। सबको साथ लेकर चलने का गुण। एक अच्छा नेता कभी भी अपनी किसी उपलब्धि का श्रेय खुद नहीं लेता है, बल्कि दल के किसी साथियों और जनता को देता है। एक नेता सबको साथ लेकर चलने की सोच रखता है और ऐसे नेता को सभी पसंद करते हैं और समर्थन भी देते हैं। सरल व्यक्तित्व। एक अच्छा नेता वही है जिसका सादा जीवन और उच्च विचार हो, यानी जो नेता बनकर सुविधाओं का अनावश्यक दोहन ना करे और जो हमेशा सभी के हित और उत्थान का विचार रखता हो, जो स्पष्टवादी भी हो और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप नहीं मरता हो। बुद्धिमत्ता का गुण। एक अच्छा नेता अपने कार्य में परंपरागत होता है और कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटना भी उसे आता है। अच्छा नेता अपने कार्य क्षेत्र का पूरा ध्यान भी रखता है और अपने कार्य को बुद्धिमत्ता से अंजाम भी देता है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।